तीसरी आंख यानी ड्रोन कैमरे से अब लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों की जिले में की गई जांच। यूपी के रामपुर में पुलिस प्रशासन ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के लिए ड्रोन कैमरे से निगरानी करना शुरू कर दी है। जो लोग भी लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए गलियों में से सड़क पर दिखाई देंगे उनको चिन्हित कर 188 धारा में मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। उसी के चलते रामपुर शहर में आज विभिन्न थानों पर ड्रोन कैमरा उड़ाया गया और ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की गई। वहीं थाना कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला राजद्वारा में भी ड्रोन कैमरे का प्रयोग करते हुए उड़ाया गया और लोगों पर कैमरे से नजर रखी गई और आगे भी लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर निगरानी रखी जाएगी। वहीं सीओसीटी का कहना है कि जिले के हर थाना क्षेत्र में दो दो कैमरा हमारे उड़ाए जा रहे हैं, सुबह और शाम और दोपहर में भी चलते हैं। इस लॉकडाउन का जो भी उल्लंघन कर रहे हैं, गलियों से बाहर निकल रहे हैं, उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनकी पहचान की जा रही है और उनके विरुद्ध 188 का मुकदमा दर्ज करके पहचान करके कार्यवाही की जा रही है। कई लोगों पर कार्यवाही भी की गई है। जी सर, रामपुर में लॉकडाउन के चलते ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है, क्या मामला? ये ड्रोन कैमरा हर थाना क्षेत्र में दो दो ड्रोन कैमरा हमारे यहाँ चल रहे हैं, सुबह और शाम दोपहर में भी चलते हैं कि लॉकडाउन का जो भी उल्लंघन कर रहे हैं, गलियों से बाहर निकल रहे हैं, उनको ये चिन्हित किया जा रहा है, पहचान की जा रही, उनके विरुद्ध 188 का मुकदमा पंजीकृत करके पहचान करके आइडेंटिफाई होकर के उनको भेजा जाएगा। जो कुछ गाड़ियों की भी चेकिंग करी गई है, अभी गाड़ियों की लगातार हर चौराहों पे चेकिंग हो रही है, केवल पास की गाड़ी अलाउ की गई हैं, जो आवश्यक एसेंशियल सेवा वाली हैं वो अलाउ की गई हैं। जो पास लगाए घूम रहे हैं एक दूसरे का पास, हाँ अपनी एक्सपायरी भी वही चेक कर रहे हैं, पास किसके नाम से है, क्या वो ऑथराइज है नहीं है, वो सभी चेक की जा रही है। गलत हुआ तो कार्रवाई होगी? बिल्कुल होगी। एसडीएम सदर साहब भी मेरे साथ रहते हैं, हम लोग सुबह शाम रात में हर समय चेकिंग करते रहते हैं। ठीक है।